हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई। इसकी स्थापना की बात करें तो 1941 की विशेष पुलिस स्थापना एसपी से हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई? 1941 की विशेष पुलिस स्थापना एसपी क्या है? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। एसपी का कार्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारियों या भ्रष्टाचार की जांच करना। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का दूसरे का कार्य था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना था। जो आपका सीबीआई का वर्तमान स्वरूप है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1963 को, सीबीआई का वर्तमान स्वरूप 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा संथानम आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, वर्तमान स्वरूप की। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो श्री डीपी कोहली। इसके संस्थापक निदेशक कौन थे? श्री डीपी कोहली। याद रखना ये सांविधिक संस्था नहीं है। इसे जो शक्ति मिली हुई है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिली हुई है। सीबीआई का शुरू में इसका संबंध केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच से था। वर्तमान में निदेशक की नियुक्ति, जो सीबीआई का निदेशक होता है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। इस समिति में 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? पीएम आपके अध्यक्ष होते हैं इसके, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है इसका सदस्य, सीजीआई या फिर उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई उच्च न्यायाधीश इसका सदस्य होता है। सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों के कार्यावधि की सुरक्षा मिली हुई है। सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों के कार्यावधि की सुरक्षा मिली हुई है। अगर हम लोग सीबीआई के कार्यों की बात करें तो जांच करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना, ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंटर सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। तो ये था आपका सीबीआई। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में।